हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पांच इनोवेटिव तरीके बताने वाला हूं जो कि आप यूज कर सकते हैं आपकी बग बाउंटी मेथडोलॉजी को और मसालेदार बनाने के लिए। ये जो पांच तरीके आज मैं बताऊंगा ना, ये तरीके आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं होंगे और इसमें से कुछ तरीके हैं जो आपको पता होंगे बट उसको यूज करने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा जो कि आपके बग बाउंटी में आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर आप अपने करियर के अंदर, आप अपनी जर्नी के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। कुछ ना कुछ इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप ऐसा सीख कर जाओगे जो कि आपको मजा दिलाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज एबेजिल और ये वीडियो है टॉप 5 इनोवेटिव वे फॉर योर बग बाउंटी मेथडोलॉजी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले आई नो वीडियो लेट आ रही है, वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं हो रही है, उसके पीछे के रीजंस कुछ और हैं जो कि मैंने आपको बार बार बताया, फिर से बताऊंगा नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो चीज आने वाली है इस चैनल के ऊपर वो आपका पूरा का पूरा नजरिया चेंज करने वाली है, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। लेकिन आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं, लाइक कर देना ठीक है, वीडियो को बार बार नहीं बोलूंगा। और वीडियो को खत्म करने के बाद अगर अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट अपनी एक बार जरूर छोड़ देना, वो मुझे हेल्प करती है मोटिवेशन के लिए, राइट। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर, सबसे पहला जो वे है, मैं सारी चीजों का प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा, कुछ कुछ चीजों का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, कुछ कुछ मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला जो इनोवेटिव वे है जो आप यूज कर सकते हैं, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो ये है कि आपने देखा होगा अगर आपको रेस कंडीशन वल्नरेबिलिटी के बारे में आइडिया है, नहीं आइडिया है तो मैं वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूं। बट कई बार कोई भी वेब एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप अपना बग हंटिंग कर रहे हैं, जिसके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर इमेजिन करो कि अगर कोई ऐसा फीचर है जहां पर आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, कूपन कोड यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फीचर है जहां पर अगर आपके फ्रेंड ने आपको एक कोड सेंड किया, उस कोड को आप रिडीम कर सकते हैं जिससे कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आपने देखा है इंटरनेट की दुनिया में होते रहते हैं, ऑफर वगैरह पेटीएम पे भी होता है, आप जब रिचार्ज करते हैं तब प्रोमो कोड डालना होता है। तो अगर आप भी जिस वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं उस वेबसाइट के अंदर भी ये फीचर है, तो आप वहां पर एक चीज ट्राई कर सकते हैं, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब भी मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं कि आप एक प्रोमो कोड डालते हैं ठीक है, रिचार्ज करवाने के लिए पेटीएम का एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो वो जो प्रोमो कोड डालते हैं ना, उस प्रोमो कोड को आप जो वो रिक्वेस्ट है उसको वेबसाइट में ले जा सकते हैं, इंट्रूडर का यूज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सेम रिक्वेस्ट सेम सेकंड पर सेंड कर सकते हैं। ऐसे तरीके हैं जो मैं आपको रेस कंडीशन की वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ये करने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, इस टाइम पर क्या होगा कि आपका जो एक ही कूपन है वो बिकॉज रेस कंडीशन एग्जिस्ट क्या होगा, वो एक कूपन दो बार अप्लाई होगा। अगर आपको एक कूपन के ऊपर 20% ऑफ मिल रहा है तो वो कूपन दो बार अप्लाई हो जाएगा जो कि 40% ऑफ हो जाएगा। और ये एक वल्नरेबिलिटी है, ये एक बग की निशानी है जो कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को जल्द ही एक वीडियो के अंदर ये चीजें बताने वाला हूं कि रेस कंडीशन कैसे बनती है, रेस कंडीशन का काम कैसे होता है। तैयार है वीडियो, मैं बस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए और उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये था एक तरीका जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने बग हंटिंग मेथडोलॉजी के अंदर अगर इनोवेटिव बग्स फाइंड करना चाहते हो। तो बढ़ते हमारे सेकंड तरीके की तरफ जो कि इससे भी मजेदार है, जो कि और आपको बेनिफिट्स देंगे। तो अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो तरीका हर बार काम नहीं करता है, बट जब काम करता है तो मजेदार काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब सबडोमेन्स फाइंड करते हैं तो सबडोमेन्स फाइंड करते समय आप लोग अपने कुछ टूल्स यूज करते हो, टूल्स के साथ साथ आप लोग शायद ऑल्ट डीएनएस का यूज कर सकते हैं ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए। बट मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं आज जो कि कई बार काम कर जाती है, राइट। आपने देखा होगा जब भी कोई कंपनी जो है इंटरनेट के ऊपर आती है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं वो चीज, जब भी कोई कंपनी इंटरनेट के ऊपर आती है या फिर जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन का नाम है वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास होता है, राइट। तो आप उस फीचर का यूज कर सकते हैं। मैं आपको इंडिया की पहले बात करता हूं, ठीक है, ये एक अपने इंडिया का ही है, ठीक है, आप कंपनी का नाम चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमें चेक करना है जोमेटो के बारे में, ठीक है, सो यू कैन डू जोमेटो वेयर, ऑलमोस्ट बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में। तो यहां पर क्या होगा ना, आपको उस कंपनी का नाम मिलेगा कि वो किस नाम से रजिस्टर है। आप देख सकते हैं जोमेटो जो है वो अलग अलग नाम से रजिस्टर है। तो ये एक वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बता रहा हूं कि कैसे यूज करना है, बट ये वेबसाइट की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगी। और ये यूएसए की वेबसाइट है, अगर कोई कंपनी है जो इंडिया की नहीं है, यूएसए की है, अगर हैकरवन पे आपको कोई मिला, जैसे मेरे लिए था एक टाइम पर AT&T, ठीक है, सो मैं यहां पर अगर AT&T लिखता हूं और अगर मैं सबमिट करता हूं तो मुझे यहां पर लिस्ट मिलेगा AT&T नाम की, मतलब उसको अलग अलग नाम से रजिस्टर किया होगा, तो वो मुझे यहां पर देखने को मिलता है। अब मैं अगर यहां से कोई भी उठा लेता हूं, ठीक है, जो ये नाम है इसको यहां से उठाकर गूगल पे चलता हूं और गूगल डॉकिंग का यूज करते हैं, ठीक है, सो लेट जस्ट डू दिस इन टेक्स्ट
यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया वो डालूंगा और मैं यहाँ पर डालूंगा इन URL के अंदर मुझे चाहिए AT&T.com, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे AT&T के कुछ इनोवेटिव सबडोमेन्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो कि शायद आपने जब सर्च किया होगा तब शायद आपको देखने को नहीं मिले होंगे। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, अभी मैं प्रीवियस पेज पे चलता हूँ फिर से, ठीक है। मैंने अभी एक नोटिस किया तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे नहीं मिला था जब मैं बग हंटिंग कर रहा था इस टारगेट के ऊपर। सो द सबडोमेन इज investor.atnt.com, ठीक है। सो यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं, अगर आप इसको इरेज कर देंगे तो आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ से कुछ भी उठा सकते हैं। सो लेट जस्ट ट्राई दिस फॉर वन अनदर थिंग। सो लेट मी जस्ट गो विथ आई विल गो विथ AT&T मोबिलिटी, राइट। सो आप क्या करते हो, यहाँ पर इन टेक्स्ट के अंदर इस चीज को डाल दो, ठीक है। मतलब कई बार आपको ये बेनिफिट करेगा, हर बार नहीं करेगा, बट देयर विल बी सम, आपका लक अगर काम कर गया तो आपको यहाँ पर कोई ऐसे सबडोमेन्स मिल सकते हैं। आपको 5-6 पेज नेक्स्ट करने होंगे, एक बार करके देख लो, ठीक है। तो ये शायद आपको मदद कर सकते हैं, ये मदद मुझे कहीं ना कहीं पर करा है तो मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं, शायद आपको भी कर सकते हैं, राइट। अभी हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी टिप के ऊपर। ये सारी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सारे देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर से। अब मैं बढ़ता हूं हमारी तीसरी टिप के ऊपर, राइट। तो हमारी जो तीसरी टिप है वो है HTTP पैरामीटर पॉल्यूशन। ये जो वल्नरेबिलिटी है वो आजकल एग्जिस्ट नहीं करती है, करती भी है तो बहुत ही कम सबडोमेन, जो पुराने सबडोमेन है शायद उसके ऊपर कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम के अंदर, आगे आज से 2-3 साल के बाद शायद ये वल्नरेबिलिटी का नामो निशान जो है वो हट जाए, बट अभी आप इस वल्नरेबिलिटी का यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस वल्नरेबिलिटी में ऐसी कोई तोड़फोड़ करने वाली चीज नहीं है, बट इफ यू जस्ट Use your mind तो आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, right? So for example मान लो कि ये गूगल का मैं यहाँ पर URL मान लेता हूँ, आप यहाँ पर vulnerability find कर रहे हैं। So for now हमारे पास यहाँ पर ये देख रहे हो आप दो parameters है, right? तो मान लो कि आप इस parameter के अंदर try करते हो cross-site scripting डालने का, लेकिन वो काम नहीं करता है, right? या फिर आप यहाँ पर SSRF करते हो, attack करते हो, तो वो काम नहीं करता है। So what you can do, you can use HTTP parameter pollution। में इसके ऊपर भी video detail में बनाऊंगा HTTP parameter pollution क्या होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, आप एक ही पैरामीटर को दो बार दे दो। अगर आपको शॉर्ट में अभी ये चीज समझनी है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। मैं नीचे रिसोर्सेज दे दूंगा, HackerOne के कुछ रिपोर्ट्स दे दूंगा, पूरे अलग अलग सेक्शंस होंगे, अगर आप जानना चाहते हो इसके डिटेल में और तो आप जान सकते हो। बट व्हाट यू कैन डू, आप अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप फिर से एक बार यहां पर स्क्रिप्ट अलर्ट डाल के देखो। कई बार ऐसा होता है कि पैरामीटर जो पॉल्यूट हो जाता है उसकी वजह से दोनों ये एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो ये आप कर सकते हैं, ये एक तरीका है। मैं आपके साथ HackerOne के 2-3 रिपोर्ट शेयर कर दूंगा जो कि आप देख सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं, राइट। तो नीचे एक सेक्शन होगा डिस्क्रिप्शन में HTTP पैरामीटर पॉल्यूशन, उसके नीचे लिंक्स होगी जो आप देख सकते हैं। बढ़ते हमारे एक और नए तरीके की तरफ जो कि और मजेदार है, राइट। तो उसके बारे में मैंने बहुत बार बात करी हुई है, जिसको कहते हैं पेड फीचर्स। जब भी बग बाउंटी हंटर्स बग बाउंटी करते हैं, जैसे कि आप हो गए तो आपकी तरह और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, जो फ्री वाले फीचर्स हैं उसको यूज कर लेते हैं, उसके ऊपर बग हंटिंग कर लेते हैं। बट If you try paying for any features on a website, अगर आप किसी वेबसाइट के कोई फीचर्स को परचेस करते हैं और उसके बाद बग हंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि पेड सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आप जो है सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तभी आप HD में मूवीज देख पाएंगे, तो एक फीचर आपके लिए ऐड हुआ ना। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे, ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और अगर आप ट्राई करते हैं तो वहां पर बहुत कम लोग गए होते हैं, तो आप ये चीज कर सकते हैं। थोड़े बहुत पैसे अगर आप इकट्ठा कर सकते हो और ये चीज में डाल सकते हो, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म पेंट्रेस्टिंग करते हो, किसी एक टारगेट पे लॉन्ग टर्म बैठने वाले हो, तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं पर बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट करता है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक टिप। और एक लास्ट टिप मैं बताता हूं, वो बहुत ही और मजेदार है। लास्ट टिप कुछ इस तरीके से है कि कई बार अगर आप नॉर्मल अपने कालीनक्स का यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए यहां पर अपने कालीनक्स का यूज करता हूं, और लेट से मैं यहां पर NS लुकअप का यूज कर लेता हूं, अगर आप NS लुकअप करके अपने सबडोमेन को डालोगे और एल्स अपने कालीनक्स के अंदर डीग के बाद अपने सबडोमेन को डालोगे, तो क्या होगा, यहां पर आपको जो दिखाया जाएगा कि बेसिकली इसके बिहाइंड द सीन्स क्या चीजें यूज हो रही है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर अमेजोन के AWS को यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत कम लोग ये चीज करते हैं, आप रिकॉन के अंदर S3 बकेट का भी रिकॉन डाल सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक कर दूंगा। S3 रिकॉन के लिए टूल्स ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, S3 बकेट्स को सर्च करेंगे। S3 बकेट कई बार क्या होता है, आजकल ये क्लाउड की जो सिस्टम है वो नई नई है इस दुनिया के अंदर, तो उसके मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से शायद
S3 बकेट जो है वो पब्लिक एंड पॉइंट पे अवेलेबल होगा, और पब्लिक एंड पॉइंट के अंदर आप S3 बकेट के अंदर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता S3 बकेट क्या है, आई बटन में लिंक है, पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है पहले से, देख लो, अब अपना नॉलेज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ 5 तरीके हमारे इस एपिसोड के अंदर। मैं और ऐसे एपिसोड लेकर आऊंगा आपके लिए जिसके अंदर और मैं अपने खुद के जो एक्सपीरियंस तरीके हैं जिसको मैंने सीखा है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से और लाइफ में इसको अप्लाई किया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी एक इनोवेटिव तरीका अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, पीस।